पूरे 8 घंटे की जांच के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई जांच के बाद अरेस्ट किया गया। उन पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली के व्यापारियों को लाभ पहुंचाया है। देर रात 3 बजे तक होटल, बार, क्लब और रेस्टोरेंट खुले रखने की वजह से करोड़ों का उन्हें फायदा हुआ है, ऐसा कहना है। उनके अरेस्ट में दिल्ली के व्यापारी दिनेश अरोरा की मुख्य भूमिका है। वे सरकारी विटनेस बने हैं और उन्होंने सिसोदिया और विजय नायर और कुछ बड़े नेताओं के नाम की पूर्ति की है। सीबीआई के कहने के मुताबिक कुछ प्रूफ और कुछ प्रूफ वाले हैंडसेट भी नष्ट करने की वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली के केजरीवाल सरकार में 33 खातों में से 18 खाते, जैसे कि फाइनेंस, एजुकेशन, होम मिनिस्ट्री, ऐसे कुछ महत्व के खाते मनीष सिसोदिया के पास हैं। मुझ पर लगे सब आरोप झूठे हैं और झूठे आरोपों की वजह से मैं जेल जा रहा हूँ, ऐसा स्टेटमेंट सिसोदिया जी ने किया है। न्यूज़लाइन नेशनल चैनल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इसको लाइक करना मत भूलिए।